अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग पोस्ट और हम अभी इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान एक्सपो लाहौर में पावर जोन इंजीनियरिंग के स्टॉल पे खड़े हैं और हमारे साथ हैं मियां अहसन साहब जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पावर जोन के। उनसे थोड़ी सी बात करेंगे और इनसे इनकी प्रोडक्ट के बारे में और इनकी कंपनी के बारे में पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर काइंडली पावर जोन के बारे में कुछ थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिएगा। ऐसा मैं अब तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है कि पावर जोन असेंबलिंग कर रहा है पाकिस्तान में पिछले 10 साल से विद डिफरेंट इंजन एंड ऑल्टरनेटर रिनोन्ड इंजन लाइक परकिंस, एफपीटी, कमिंस, कबूता। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑल द रेंज और वी आर सर्विंग पाकिस्तान फ्रॉम लास्ट 10 टू 12 इयर्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी मिला मार्केट से। अच्छा सर, आपकी एक बहुत मशहूर प्रोडक्ट है जो एफपीटी है, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइएगा। जी, एफपीटी पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से आई हुई है। इसका अगर हम मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं तो पाकिस्तान में इनका जेवी गाजी ट्रैक्टर से हुआ हुआ है जिसमें P8 इंजन लग रहे हैं। एफपीटी इज़ अ P8 पावर ट्रेन और एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है। इनके जो ब्रांड्स हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, CNH के नाम से है, केस है जो मशीनरीज बना रहे हैं। तो इटालियन 100% इटालियन प्रोडक्ट है और रगेड इंजन है। तो मरीन में, पावर जनरेशन में और ट्रक्स में, अबीको ट्रक्स के नाम से इनकी प्रोडक्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बड़ा अच्छा रिस्पांस है और हम काफ़ी अच्छा इसको पेनिट्रेट कर गए मार्केट में। आप ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं? जी, हम ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर पाकिस्तान में। ठीक है, इसकी यूनिक क्या चीज़ है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है एफपीटी का? एफिशिएंसी एक्चुअली, अगर आप कहें तो 100% इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी है। 50 एम्बिएंट टेम्परेचर पे इसका रेडिएटर डिज़ाइन है, वेयर एज अदर इंजन के 35 पे होता है ट्रॉप। तो और वेट स्लीव्स इंजन हैं, जो इंजन बन रहे हैं वो वेट स्लीव हैं, वेयर एज अदर मार्केट में कंपेटिटर हैं वो ड्राइव बनाते हैं। तो उसको देखें तो एफिशिएंसी इसकी अच्छी है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, वारंटी इसकी बहुत अच्छी है, रगेड इंजन है और मेंटेनेंस इसकी बहुत अच्छी है, रनिंग आवर्स इसके ज़्यादा हैं। तो एज ले जाता है काफ़ी, अगर वी कंपेयर विद अदर इंजन तो इसका 15-20% एडवांटेजेस हैं। जैसे आपने बताया कि इटालियन कंपनी है तो ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होगा, तो अभी आप ये प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं? जी, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंपोर्टिंग इंजन्स एंड असेंबलिंग जेनसेट हियर। तो इसमें इंजन बेसिकली द मेन चीज़ होती है जो जनरेटर्स को सपोर्ट करती है। तो इसलिए हम इसको इंजन्स और इंजन्स एफपीटी से इंपोर्ट कर रहे हैं और ऑल्टरनेटर्स हमारे पास स्टैनफोर्ड या लेरॉय सोमर होते हैं। तो बेस्ट कम्बिनेशन अगर आप देखें तो कम्बिनेशन हम दे रहे हैं मार्केट में और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। पावर जोन का आगे फ्यूचर में इनको लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आने का कोई प्लान है? जी इंशाल्लाह हम लोग बात कर रहे हैं, बट बिकॉज पॉलिटिकल इश्यूज और पाकिस्तान की अनस्टेबिलिटी तो इंजन मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव तो लेना चाहिए कि पाकिस्तान में JVs हों और पाकिस्तान की प्रोडक्ट इम्प्रूव हो। इट टुक टाइम बट इट विल टेक टाइम, बट इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी आ जाए कुछ ना कुछ इस तरह से हमारा इनसे बन। अच्छा सर, पावर जोन इंजीनियरिंग का फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं, आगे फर्दर क्या करें? फ्यूचर में जी हमारे पास प्रोडक्ट लाइन पावर जनरेशन से रिलेटेड सारी अल्हम्दुलिल्लाह आ गई हैं, जिसमें हम माइक्रो टर्बाइंस में काम कर रहे हैं, हम गैस इंजन्स में काम कर रहे हैं जिनकी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ गई हैं, और ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं कि 24/7 आप ग्रीन एनर्जी। हम कुछ हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं कि हाइड्रोजन इज़ द नेक्स्ट फ्यूल इन द फ्यूचर। तो काफ़ी R&D हमारी चल रही है, इंशाल्लाह सूनर यू विल नो कि हम लोग किस तरह से पाकिस्तान को ये सारी चीज़ों से हम आगे लेके चले। ठीक हो गया। अजय सर, ये एक्सपो अब 2 साल एटलीस्ट वक्त से हो रहा है और बहुत प्रॉब्लम थी कोविड की वजह से, रिस्ट्रिक्शंस थी, कैसा रिस्पांस है, कैसा माहौल है, आप कैसे देख रहे हैं?
ये अच्छी एक्टिविटी है जी, आहिस्ता आहिस्ता अब लोगों लोग निकले हैं, काम है मार्केट में, बट इस वक्त दुनिया में जो सप्लाई चेन का मसला है वो भी एक चैलेंज है, तो होपफुली के इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, लोगों में भी कॉन्फिडेंस आएगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी एक्टिविटी है, अब सारे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और पब्लिक मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए इंजीनियरिंग कोर्स। थैंक यू।